हम बात कर रहे हैं सन 1989 से 90 के बीच की, जब दौर था मंडल और कमंडल का। उसी समय मुलायम सिंह यादव ने अपने दोस्त काशीराम के कहने पर समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह को चुनाव में हरा दिया। कहानी उत्तर प्रदेश की है। जब अपने दोस्त काशीराम के कहने पर मुलायम ने बनाई समाजवादी पार्टी और कल्याण सिंह हार गए चुनाव। दरअसल इटावा के लोकसभा उपचुनाव में काशीराम और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के बेहद करीब बन गए। इटावा की इस दोस्ती का असर 1992 के अक्टूबर महीने में दिखा। सब मुलायम सिंह ने 1989 और 90 के उन दिनों सारे देश के अंदर मंडल कमंडल की राजनीति का दौर था। उत्तर प्रदेश अविभाजित था और आज के उत्तराखंड का सारा हिस्सा यूपी में ही था। 1991 के दौर में काशीराम इटावा से सांसद बने, जबकि मुलायम सिंह यादव का ये गृह जनपद था। लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव और काशीराम की नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 में लखनऊ में समाजवादी पार्टी का गठन किया। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी इसका एक घटक दल बनकर काम कर रही थी। 1989 के इसी साल यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में जनता दल को कुल 208 सीटें मिली थी। जनता दल वो पार्टी थी जिसका गठन जन मोर्चा, लोक दल और लोक दल बी के गठन से हुआ था। इन चुनावों में 57 सीटों वाली बीजेपी ने मुलायम सिंह को बाहर से समर्थन दिया। कहा जाए तो 1989 के उस साल बीजेपी के साथ जिन मुलायम सिंह ने सरकार बनाई थी, करीब 4 साल बाद इसी बीजेपी को उन्होंने अपने मित्र काशीराम के साथ सत्ता से जमी दोज कर दिया था। 1989 के उस साल मुलायम के सीएम बनने की घटना नाटकीय भी थी, क्योंकि जनता दल की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार पश्चिमी यूपी के बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह थे। पार्टी की राय थी कि मुलायम सिंह को चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि चुनाव के बाद मुलायम सिंह ने सीएम पद पर दावा कर दिया था। आंतरिक उठक पटक के एक बड़े दौर के बाद मुलायम सिंह गुप्त मतदान की व्यवस्था से यूपी के सीएम बन गए। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अजीत सिंह खेमे के 11 विधायकों को तोड़कर मुलायम ने 5 अधिक सदस्यों के साथ समर्थन के साथ बहुमत प्राप्त कर लिया। इसके बाद मुलायम सिंह ने 5 दिसंबर 1989 को पहली बार यूपी के सीएम के रूप में शपथ ली। 57 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। यही नहीं, कुछ महीने बाद 1990 में जब बिहार विधानसभा में लालू की पार्टी जनता दल को 122 विधायकों के साथ बहुमत की ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी ने 39 विधायकों के साथ उसका भी समर्थन किया। दरअसल मुलायम सिंह की सरकार से बीजेपी को तालमेल कैसा था, इसे समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जनता दल की केंद्र और बिहार सरकार को समर्थन वापस लिया, लेकिन मुलायम की सरकार से कोई खिलाफत नहीं थी। बिहार में बीजेपी का मोह लालू से उस दिन टूट गया जब लालू ने राम रथ यात्रा के चरम हिंदुओं वाले दौर में 23 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद बीजेपी ने बिहार में केंद्र की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि इसी जनता दल के नेता मुलायम सिंह यादव भी साथ ही सत्ता में बने रहे। हालांकि इस दौरान ही अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चली और मुलायम सिंह यादव मुस्लिम तुष्टिकरण चेहरे के रूप में उभर कर आए। 1991 के दौर में काशीराम इटावा से सांसद बने, जबकि मुलायम सिंह यादव का ये गृह जनपद था। लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव और काशीराम की नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 में लखनऊ में समाजवादी पार्टी का गठन किया और वहीं काशीराम ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर मुलायम सिंह यादव हमारे साथ आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा। उन्नीस सौ 91 में इसी के असर ने मुलायम को चुनाव हरवा दिया और कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। 1991 के लोकसभा चुनाव में काशीराम यूपी की इटावा सीट से सांसद चुने गए थे। इलाका मुलायम सिंह का गृह क्षेत्र भी था।
मुलायम और काशीराम की नज़दीकियाँ इसी दौर में हुई। मुलायम इस वक्त समाजवादी जनता दल का हिस्सा थे। 1991 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में काशीराम ने कहा कि अगर यूपी में मुलायम सिंह यादव उनके साथ आ जाएं तो सभी विरोधी दलों का किला ध्वस्त हो जाएगा। इस इंटरव्यू ने मुलायम को एक बड़ा प्रभाव डाला। बाबरी विध्वंस कांड के ठीक पहले यूपी में सत्ता का एक बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। मुलायम सिंह दिल्ली में काशीराम से मिले और काशीराम ने उन्हें नई पार्टी बनाने की सलाह दी। 4 अक्टूबर 1992 के रोज मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नींव रखी। फिर क्या था, 1993 में काशीराम और मुलायम सिंह यादव साथ आए और दलित पिछड़ों और मुसलमानों का समीकरण तैयार किया। और उसके बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद 1993 में मुलायम सिंह और काशीराम जब SP-BSP गठबंधन के सूत्र में बंधे, इस साल राम लहर पर सवार बीजेपी का रथ रोक दिया गया। इस दोस्ती की बदौलत यूपी में दलित मुस्लिम और पिछड़ों का ऐसा मजबूत समीकरण बना के अयोध्या में विवाद ढांचे को गिराने के बाद विधानसभा चुनाव में SP-BSP ने बीजेपी को शिकस्त दी। नवंबर 1993 में हुए इस उपचुनाव में बीजेपी 33.3% मत के साथ वोट हासिल करते रही। वहीं 1993 में मुलायम सिंह यादव CM बने और BSP ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया। चुनाव के बाद नारा दिया गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन होनी तो कुछ और थी। मुलायम और काशीराम की दोस्ती तकरीबन 1.5 साल ठीक ठाक चली, लेकिन जून 1995 आते आते उसमें खटास आ गई। 2 जून 1995 को मायावती ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके साथ ही SP की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो गया। मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती ठहरी हुई थी। आरोप है कि इस दौरान वहां पहुंचे SP के दबंग विधायकों ने मायावती से बदसलूकी करते हुए उन्हें जान से मारने की कोशिश की। मायावती इस अपमान को कभी भूल नहीं सकी। यही वजह है कि जब जनवरी 2019 में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने SP-BSP गठबंधन का ऐलान किया तो गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किए बिना नहीं रह सके। ये हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के अनसुने किस्से, जिन्हें हम खबर एक्सपर्ट के माध्यम से आप दिखा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।